वेलकम टू एफ थ्री रेसिपीज, मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेज चाइनीज टोस्ट, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बनेगा बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी। इसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटी हुई शिमला मिर्च, दो कसी हुई गाजर, एक बाउल बॉयल किया हुआ कॉर्न, हरी चटनी, दो कसी हुई बीटरूट, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, मक्खन, टमाटो सॉस, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। साथ ही हमें इसे बनाने के लिए चाहिए कुछ ब्रेड के स्लाइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चाइनीज वेज टोस्ट। सबसे पहले हम लेंगे बटर, एक पैन में दो चम्मच बटर डालेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। बटर हमारा गर्म हो गया है, चलिए इसमें डालते हैं सबसे पहले प्याज, प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। तो चलिए ये देखिए प्याज भून गई है, इसमें डालते हैं टमाटर, थोड़ा सा चलाएंगे इसे, शिमला मिर्च साथ साथ थोड़ा चलाते रहेंगे, कसी हुई गाजर, कसा हुआ बीटरूट जिसे हम हिंदी में चुकंदर भी बोलते हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। इसमें डालें ऊपर से नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पका लेंगे, डालेंगे कॉर्न, इसे थोड़ी देर में ढक देते हैं हम ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो पक जाए। चलिए इसे हम थोड़ी देर के ढक देते हैं। हम इसे कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 2 या 3 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी सब्जियां पक गई हैं। इसमें हम डालेंगे ऊपर से सोया सॉस, आपको 1 चम्मच सोया सॉस डालना है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और अगर आपको तीखा खाना है तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं आप। मिला लेते हैं इसे, थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे हम। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है, इसके बाद हम बनाएंगे टोस्ट। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है, अब हम इसे ब्रेड में फिल कर टोस्ट रेडी करेंगे। वैसे एक बात कहूँ आपको, ये इतना यमी और टेस्टी है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं टोस्ट। ब्रेड लीजिए आप, उसमें बटर लगाइए, इसमें टमाटो केचप लगाइए, ग्रीन चटनी, दूसरी ब्रेड पे भी हम ये सारी चीज़ें लगा लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे बटर, फिर टमाटो सॉस, उसके बाद ग्रीन चटनी। ये देखिए ब्रेड पर हमने टमाटो सॉस, बटर और चटनी तीनों चीज़ें लगा दी हैं, रेडी कर लिया है। अब इसे हम फिल करेंगे अपनी स्टफिंग से। ऊपर से लगाएंगे हम बटर, चलिए इसे रखेंगे हम टोस्टर में और ऊपर से लगाएंगे बटर, इसे रख लेते हैं। बटर लगाते हैं ऊपर से, चलिए टोस्टर को बंद कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए। 3 मिनट बीत चुके हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे टोस्ट रेडी हो गए हैं। टोस्टर को बंद करते हैं। वाओ, हमारे टोस्ट बनकर रेडी हैं एकदम। निकाल लेते हैं इसे बाहर।
चाहिए। तो देखा आपने कितनी जल्दी से तैयार हो गए हमारे वेज चाइनीज टोस्ट। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही ज्यादा टेस्टी होंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इन्हें बनाना। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे कुछ इसी तरह की नई नई रेसिपीज के साथ। थैंक यू।